अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल चिकन फ्राई, क्रिस्पी वाली चिकन फ्राई। सो चलिए हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। हाफ के जी आधा किलो चिकन ले लिया है, उसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। मैंने इसे 10 अदद था और इसे मैंने कूट लिया एकदम अच्छी बारीक, और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, नमक 1/2 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, रेड चिल्ली पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, आप अगर कम पसंद करते हैं तो आप 1 टेबलस्पून ही लें। वन फोर्थ नींबू का रस, बीज का ध्यान रहे बीज निकाल लें, और अब इसे अच्छे से मिला लें। सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं, अगर चम्मच से नहीं हो रहा है तो हाथ का यूज कर सकते हैं। परफेक्टली मिल चुके हैं मसाले, अब हम इसे ढक कर 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, छोड़ देंगे साइड में। दूसरी तरफ एक बड़े से बर्तन में या एक कटोरे में हम एक छोटी कटोरी मैदा ले लेंगे, या आप किसी भी तरह का आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर इम्पॉर्टेंट है। जिस क्वांटिटी में हम मैदा लिए हैं उसी क्वांटिटी में हम कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं, और नमक 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून, और हल्दी पाउडर लगभग 1/2 से थोड़ा सा यानी 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे, और इन सब को इकट्ठा मिक्स करेंगे अच्छे से। दूसरी तरफ हम एक बाउल में पानी फ्रिज में रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी पानी का काम लगेगा, इसलिए ये परफेक्टली मिक्स हो चुका है। तो अब देखते हैं हमारे चिकन को वो किस स्टेज पर है। ये देखिए एकदम परफेक्टली मिक्स हो चुका है ये। तो अब हम इसमें जो आटे का मिक्सचर तैयार किया है ना, एक एक चिकन के पीस को उसमें उस मिक्सचर में हमें डिप करना है यानी कोटिंग करना है उस मिक्सचर का। ये देखिए कोटिंग हो चुकी है, अब हम फ्रिज से पानी निकालेंगे, ठंडा पानी उसमें हम बस डालेंगे चिकन्स को और बस निकालेंगे। फिर हम उसी आटे में जिसमें हमने इसका कोटिंग किया है उसी में फिर से डालेंगे और फिर से अच्छे से इसे
कोट कर लेंगे। जो क्रिस्पीपन आता है ना, वो इसी तरीके की वजह से, इसी ट्रिक की वजह से आता है। जो चिकन्स में पानी में डालकर उसे फिर से कोटिंग करो, उसके बाद फ्राई करें। दूसरी तरफ देखिए, हम तेल गरम कर चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, इसे हम फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। और फिर अब हम इसे धीरे धीरे एक एक कर पलटेंगे और इसे हम 4 मिनट तक लगभग मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, जिससे चिकन अंदर से पक जाए अच्छे से। ये देखिए, एकदम परफेक्टली पक चुका है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। सो तैयार हो गया ये। अब आप इसे चाहे दही के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप ट्राई टू मेक इट। And thanks for watching this video. Thank you.